हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं MCQ 24 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड लॉ। तो लॉ और बिजनेस एथिक्स में क्या डिफरेंस है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को सबसे पहले, बिकॉज हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते हैं। बीकॉम एमकॉम के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड, फोर्थ, यू नो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ बीकॉम, सभी के लिए यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, सभी के लिए यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, सभी के लिए यहाँ पे असाइनमेंट्स अवेलेबल है। अगर आपको इन सब चीजों में किसी भी चीज की आवश्यकता है, वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको चार्जेबल पड़ता है, बट एक बहुत ही नॉमिनल सी फी ली जाती है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप हमसे यू नो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8101065300, ठीक है। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं नोट्स को फ्री कर रहा हूँ। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं सारे के सारे नोट्स जो है वेबसाइट पे अपना अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मास्टर्स के नोट सिर्फ चार्जेबल होंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल सा फी यहाँ पे लिया जाएगा, बहुत ज्यादा फी नहीं है। जितना आप ट्यूशन में पे करेंगे उससे कहीं कम यहाँ पे आपको पे करना होगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं ट्वाइस अ वीक, सैटरडे एंड संडे हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उस केस के लिए जैसा आप ट्यूशन के लिए फी पेमेंट करते हैं 500 per month, वैसे ही आपको पे करना है, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे, साथ में नोट्स और असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस में, यू गाइज कैन ज्वाइन मी, ठीक है। ओके देन, तो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद के, विच इज अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एथिक्स एंड लॉ, ठीक है ना। चलो फिर, तो इन जनरल मैं अगर आपको बताऊं तो बिजनेस एथिक्स कोई लॉ नहीं होता। एथिक्स मतलब जो होता है कि आप क्या सोचते हो किसी चीज के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी और को धोखा देना आपके बिजनेस के लिए सही होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो बिजनेस एथिक्स इज लाइक यू नो मोरल, जो वैल्यूज होते हैं, जो मोरल चीजें होती हैं, उसके बारे में बोला जा रहा है। और लॉ का मतलब तो भाई लॉ है, कहीं लिखा हुआ है कि आपको ये काम नहीं करना, अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो लॉ हो गया। लेकिन बिजनेस एथिक्स में बिजनेस को चलाने के लिए जिन मूल्यों का, जिन प्रिंसिपल्स का आप इस्तेमाल करोगे, दैट इज ऑल अबाउट एथिक्स, राइट। तो वो है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसमें क्या है भाई। सो वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स व्हाइल स्टडिंग बिजनेस एथिक्स इज टू रिमेंबर दैट इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लॉ, ठीक है ना। तो ये लॉ से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है ना, ये सेम नहीं होता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। Ethics is not limited to every mentioned in the form of legal codes and is made legally mandatory, ठीक है ना। तो ethics जो है एक तरीके से आपको limitation कोई provide नहीं करता कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है ना। Ethics एक आदमी बंदे के ऊपर होता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। सही गलत जो है उस बंदे ने choose करना है। तो वो business ethics जो है वो different चीजें होंगी, और जो law है वो भाई mandatory है, जैसे यहाँ पे बोला गया कि legally mandatory नहीं होता है ethics, लेकिन लॉ जो है वो होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू ले डाउन द डूज एंड डोंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन लॉ, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल एक तरीके से कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लिखना, ठीक है ना, लिख करके ये बताना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिखना, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल सा काम होता है। एथिक्स में जो है आपके दिमाग, आपका दिल जो है वो काम करेगा, वही आपका एथिक्स होगा, ठीक है ना। जनरली एथिक्स में क्या होगा कि आपको अपने कस्टमर्स के बारे में सोचना है, कस्टमर्स को लूटना नहीं है, है ना, कस्टमर्स के बारे में सोचना है, उनके वेलबींग के बारे में सोचना है, ना कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो इसकी चीज के ऊपर जो एथिक्स पूरा का पूरा काम करता है आपका। देयरफॉर इट इज नॉट रेयर टू सी सम लैंडमार्क जजमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ इनवोकिंग द स्पिरिट ऑफ लॉ टू जस्टिफाई देयर डिसीजंस। तो कई बार ऐसा यू नो ओकेजन हुआ है कि लोगों ने जो है इसको तोड़ा है, एक तरीके से लॉ को जो है तोड़ा है और अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश की है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो उसको सुधारती हैं, है ना। तो ऐसा भी देखा गया है। द लॉ इज एट बेस्ट अ कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। और लॉ क्या होता है भाई? तो लॉ जो है एक तरीके से कॉमन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आपने मेंटेन करना होता है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। However, some moral and ethical questions are not necessarily covered by the law. यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ethics जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि moral होती हैं, और वो चीजें जो है हमारे law में covered नहीं होती हैं। तो उस केस में एक बंदे को खुद से ही डिसाइड करना होगा कि उसके लिए ethics क्या है, है ना। जैसे आपने पुराने फिल्मों में सुना होगा कि कई सारे विलन बोलते थे कि हम औरतों और बच्चों का अपहरण नहीं करते, औरतों बच्चों को नहीं सताते, हम सिर्फ मर्दों को सताते हैं। तो ये उनका एथिक्स था कि औरतों और बच्चों को नहीं परेशान करना है, ठीक है ना। तो एथिक्स जो है आपने डिसाइड करना है। ओके,
फॉर इंस्टेंस नो लीगल सिस्टम मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ग्रोन अप चाइल्ड टू बी लॉयल एंड फेथफुल टू देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। कितना अच्छा यहाँ पे बात बोला गया। ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, है ना। तो ये एथिक्स है, एथिक्स ये है कि आपको ख्याल रखना है पर आप नहीं रख रहे हो, और ऐसा कोई लॉ भी नहीं है जो कि आपको बाउंड करे कि आपको जो है फिलहाल लॉयल रहना पड़ेगा अपने माँ बाप के प्रति और फेथफुल रहना पड़ेगा अपने माँ बाप के प्रति। ये एथिक्स होती है, ये लीगल सिस्टम में अभी तक जो है इसको नहीं घुसाया गया है, ठीक है ना। अगला देख लो, सिमिलरली नो लॉ स्टेट्स दैट कपल शुड बी लॉयल टू ईच अदर। कोई लॉ ऐसा भी नहीं है जिसमें ये बोला गया हो कि आप अपने जो आपके आपका जो कपल है जिसके साथ आप रह रहे हो आपको उसके प्रति भी लॉयल रहना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ये एथिक्स है, ये आपकी अपनी सोच है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। फर्दर द लॉ कवर्स मेनी इशूज मेंट फॉर रेगुलेटरी पर्पज एंड इंश्योरिंग सिविक ऑर्डर इन एनी सोसाइटी। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे नियम कानून भी हैं जो कि यू नो कपल्स के लिए बनाया गया है, जिनको एक तरीके से मानना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो एक यू नो सोसाइटी में रह सके, एक सिविक सोसाइटी में जो है सही तरीके से रह सके। तो कुछ कुछ लॉज है, ठीक है ना। सच लीगल मैंडेट्स नीड नॉट टू बी नेसेसरली हैव एथिकल इंप्लीकेशंस। अब ये जो लीगल मैंडेट्स दिए गए हैं, जो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीजें एथिकल है, ये बस लीगल है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। एथिकल यहाँ पे चीजें नहीं है। अगला देखो, अब फिलोसोफर Equipped ones where physical ends, metaphysics begins, है ना। तो एक philosopher ने बहुत ही एक famous बात बोली थी कि जहाँ पे physics खत्म होता है वहाँ पे metaphysics start होता है। metaphysics मतलब physics के beyond जो चीजें हैं। physics में बहुत ही चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, you know 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि physics में क्या था। हम लोग जो भौतिक चीजों के बारे में पढ़ते थे वो तो ठीक था क्योंकि उन चीजों के बारे में हमें पता है। metaphysics जो है उसके बाद start होता है क्योंकि वो आपके दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है ना। तो फिलोसोफर ने ये बात जो है बोली थी कि हमारा जो है कंट्रोल नहीं है मेटाफिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स का हमें पता है कि ये लॉ है, फिजिक्स के लॉ है ना बहुत सारे, आपने सुना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेटाफिजिक्स में कोई भी लॉ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे जो फिल्में बनती है वो मेटाफिजिक्स पे ही बनती है, फिजिक्स पे तो नहीं बनती है क्योंकि कोई भी साइंस फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। सिमिलरली वन कैन आर्ग्यू दैट बिजनेस एथिक्स बिगिंस वेयर द लॉ एंड्स, ठीक है ना। कोई भी बात ये बोल सकता है कि बिजनेस एथिक्स वहां से शुरू होता है जहां पे लॉ खत्म होता है ना, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, वो बस आपने सोचना है, वहां से शुरू होता है। मेनी ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स टुडे आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द सोसाइटीज मोरल एंड एथिकल वैल्यू इवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो अभी के टाइम पे जितने भी सारी यू नो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो लीगल चीजें अभी हम देखने को मिलते हैं वो सारी की सारी बाई प्रोडक्ट हैं। हमारा सोसाइटी किस तरीके से सोचता है, हमारा सोसाइटी का मोरल एंड एथिकल वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर जो है यू नो लॉज बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑटोमेटिक बन गया है, उसके लिए पीछे भी रीजंस होते हैं, है ना। तो रीजन हमारा मोरल और एथिकल वैल्यूज ही है, लेकिन हमारा मोरल और एथिकल वैल्यूज कई टाइम्स चेंज होते रहते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है ना। तो हर बार अगर हम लॉ बनाते रहेंगे तो वो तो चलेगा नहीं। तो एक जेनरिक लॉ जो है बनाया गया है मोरल एंड एथिकल वैल्यूज के ऊपर। For instance, growing activism by environmental groups to encourage sustainable business practices and demand for recognizing women and LGBT rights in the workplace have led to new legislation. देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि ये जो बात बोली जा रही है कि आपको एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना है जब आप एज ए कॉर्पोरेट हाउस बिजनेस को कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान देना है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसका असर जो है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर गलत ना पड़े। या फिर जो एलजीबीटी राइट्स की बात अभी जो है इंडिया में इसको भी लागू कर दिया गया। आपको पता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को पहले यू नो आपस में शादी करने की जो है मनाही थी, वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे, है ना। बट बाद में लेजिस्लेशन जो है बदलाव हुआ उसमें और यू नो नए रूल्स यहाँ पे बनाए गए। तो ये जो रूल्स बने ये किस बेसिस पे बने, सोसाइटी की डिमांड, सोसाइटी का जो एक माइंडसेट था उसके बेसिस पे बनाया गया है, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। Though these issues have been identified by law only recently, we need to bear in mind that these are pregnant, with ethical complications. चलो भाई, तो प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने बेबी कंसीव किया है, वह प्रेग्नेंट का मतलब है कि इनके बीच में ये भी घुसा हुआ है, एथिकल इंप्लीकेशन भी घुसा हुआ है, ठीक है ना। एलजीबीटी कम्युनिटी में भले ही इस चीज को अलाउ कर दिया गया हो बट वो लोग अभी भी यू नो इस चीज से है ग्रसित कि आपको एथिकली ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एथिकल इंप्लीकेशंस जो है अभी भी उसके अंदर है। टू बी ऑनेस्ट प्रेग्नेंट का मुझे बस इतना ही मतलब पता था कि कंसीव करना, बट यहाँ पे प्रेग्नेंट का मतलब डिफरेंट है। यहाँ पे कंसीव करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रेग्नेंट का मतलब है कि आपके दिमाग में वो चीज घुसा हुआ है कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो वो सही होगा या गलत होगा, वो एथिकल इंप्लीकेशन उसका क्या है, ठीक है।
मोर देन टू सेंचुरीज बैक, दो सेंचुरीज पहले, इट वॉज कंसिडर्ड अनएथिकल टू कंसिडर विडो मैरिज, डिस्कस गर्ल चाइल्ड राइट्स एंड अलाउ वुमेन टू पर्टिकुलर इन पब्लिक अफेयर्स। सोचो तकरीबन 200 साल पहले, टू सेंचुरीज बैक, 200 साल पहले कभी भी विडो मैरिज की बात नहीं होती थी, विडोवर की मैरिज की बात कभी नहीं होती थी। हमारे इंडिया में राजा राम मोहन राय ने इसको स्टार्ट किया एंड और भी बहुत सारे पायनियर्स हुए जिन लोगों ने इसके ऊपर यू नो जो है बात की। चाइल्ड राइट्स के बारे में पहले कभी बात नहीं हुआ था, अभी रिसेंटली इस बारे में बात होनी स्टार्ट हुई है। पब्लिक अफेयर्स, वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट देने का अधिकार औरतों को नहीं था वो भी लाइक रिसेंटली मतलब फिर भी 50-60 साल हुए हैं। तो इन सब चीजों को चीजें जो है पहले नहीं थी लेकिन अब हुई है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि सोसाइटी का जो माइंडसेट है, जो स्टैंडर्ड है, वो बदला है ना। तो वो बदलता जो है उनके एथिकल वैल्यूज के कारण ही बदलता है, ठीक है ना। तो दोनों एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग भी है, ठीक है ना। क्योंकि एथिक्स एथिक्स होता है, वो कोई लॉ नहीं होता, बट एथिक्स के बेसिस पे ही जो है आपका लॉ बनता है, आप ये भी समझ सकते हो। The Renaissance movement in India by the people like Raja Ram Mohan Rai, Vidyasagar and the, you know, Renaissance जो होता है वो पुनर्जागरण वाली जो एक thought था, history में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो पुनर्जागरण वाली thought था, इसको Raja Ram Mohan Rai, Vidyasagar और जो ज्योतिबाई फुले जो है, ज्योतिबाई फुले, उन्होंने जो है इसके बारे में बातें की, सोशल रिफॉर्म्स को लेकर क्या है। उन्होंने ही यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को रोकना, विडो मैरिज को बढ़ावा देना, है ना, पब्लिक अफेयर्स में औरतों का पार्टिसिपेशन होना, ये सारी चीजें जो है इन्हीं लोगों ने जो है एक तरीके से किया। ओवर टाइम देयर एफर्ट्स हैव लेड टू ड्रास्टिक चेंज इन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। तो आने वाले समय में देखा गया कि किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज हमें जो है अपने सोसाइटी में देखने को मिला, जहां पे वुमेन को एक तरीके से समान अधिकार देने की बात बोली गई। देयर एफर्ट्स इन सोशल रिफॉर्म्स हैव लेड टू द रिविजिटिंग मोरली एंड एथिक्स इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी लाइक आवर्स, ठीक है ना। तो उनका एफर्ट जो है सोशल रिफॉर्म्स के रूप में वो बहुत ही यू नो इंपॉर्टेंट है, और एक तरीके से आपके मोरल वैल्यूज को वो रिविजिट करता है, और हमारे जो हमारी सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको भी एक तरीके से ये चैलेंज करता है। और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, उसको आपने एक्सेप्ट करना होगा बाय द टाइम, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप रूट नहीं हो सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि औरतों का जो है यू नो नहीं हो सकता पार्टिसिपेशन पब्लिक अफेयर्स में। चाइल्ड राइट्स की बात हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूरी है, क्योंकि उनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं जो हमारे साथ हो रही हैं, उनको भी वही सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वुमेन्स को भी उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे आप मेन्स को ट्रीट करते हैं। बच्चों के राइट्स के बारे में भी सोचें, विडो और मैरिज के बारे में भी सोचें। तो दीज आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था। अभी तो तकरीबन हम सारे लोग इसके बारे में पॉजिटिव है, सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में कि दीज आर द थिंग्स विच आर राइट टू डू, राइट। Their efforts in social reforms have led to revisiting. अच्छा ये तो मैंने कर दिया। In traditional and modern societies, the sense of what constitutes ethics is conditioned by the prevailing power equations. है ना? तो एक तरीके से जो चीजें हो रही हैं, जो भी आपका ethics में जो बदलाव होता है या फिर उसके कारण जो laws में बदलाव होता है, वो सारी की सारी चीजें जो है prevailing, जो पहले से जो power equation चलता आ रहा है, उसके basis पे ही बना है। जैसे पहले जो है औरतों को अधिकार नहीं था वोट देने का, वो क्यों नहीं था, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लोगों का माइंडसेट जो है डिफरेंट था, मेंस को ज्यादा अधिकार है। तो जो मेंस को अधिकार है ये किसने बनाया, ये जो लॉ था कि सिर्फ मेन ही दे सकते हैं वोट, ये किसने बनाया? ये ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी ने ही अलाउ किया कि भाई तुम बना लो इस तरीके से लॉ। औरतें तो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो तो घर का काम करती हैं, वो ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, तो उनको लॉ उनको ज्यादा राइट्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें भी हम लोगों ने ही तैयार की और बाद में इसको तोड़ा भी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो जो प्रिवेलिंग पावर इक्वेशंस होते हैं उसके बेसिस पे ही चीजें जो है वो बदलती हैं, ठीक है। इन अ कास्ट रिडन सोसाइटी द अपर कास्ट डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू जज एथिकल कंटेक्ट। तो कास्ट रिडन सोसाइटी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो अपर कास्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो किस तरीके से कंडक्ट उसको किया जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से आप एथिकल कंडक्ट को जज करोगे, राइट। Similarly, in patriarchal society, the males decided what constitutes ethics and morality regarding a woman's conduct. है ना? तो patriarchal society में यही देखा जाता है कि males decide करते हैं कि औरतों के लिए क्या ethics है और क्या उनकी morality होनी चाहिए जब हम women's conduct की बात करेंगे। तो ये तो गलत है भाई, आप किसी और का कैसे decide कर सकते हो, right? लेकिन patriarchal society में ये देखा जाता है, and this is bad, this is very bad. ठीक है, अगला। Even in advanced industrial societies, corporates still deal with the grievances of women who have complained of their glass ceiling for their career growth. है ना? तो अभी देखा जाता है कि जो industrial societies में भी जो corporates होते हैं, वो still deal करते हैं women's की जो grievances होते हैं, complaints होते हैं कि किस तरीके से उनके career growth के ऊपर एक तरह से glass ceiling लगा दी जाती है कि आप CEO नहीं बन सकते, आप managing director नहीं बन सकते, आप किसी बड़े post पे नहीं जा सकते,
है ना। तो ये जो सीलिंग लगाई जाती है इसी को ब्रेक करने की बात की जा रही है, और अब तो ये टूटा भी है। अब तो देखा जाता है कि लोग जो है बड़े बड़े पोस्ट पे औरतों को दी गई है चीजें, अगर आप डिजर्विंग हो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आई थिंक मेंस के साथ भी वही होना चाहिए। Therefore, it is relevant to keep in mind that the subject of ethical and morality are closely related to existing power structure, है ना? तो ये भी आपको समझना होगा कि अभी जो चीजें हो रही हैं, जो भी आपके एथिक्स है, जो भी चीजें बदलाव हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। At a given time, a particular power structure also plays a critical role in providing legal forms to genuine ethical concerns. ठीक है ना? तो वही बात बोली गई है। आगे चलते हैं। आखिरी पैराग्राफ है, थोड़ा लंबा हो गया ये लेक्चर, बट जरूरी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठ के एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है ना? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिपीटेडली हाइलाइटेड इश्यूज लाइक क्लाइमेट, बिजनेस एथिक्स, ऑन एन ओवरव्यू चेंज, एलजीबीटी राइट्स, वुमेन्स राइट्स इन द वर्क प्लेस, है ना? तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने हमेशा से इस बारे में बात की है कि किस किस तरीके से जो क्लाइमेट बिजनेस एथिक्स है उसको एक तरीके से लाया जाए, एलजीबीटी राइट्स के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने वुमेन्स राइट की बात की है वर्क प्लेस में। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सिविल सोसाइटी ने इस बारे में बात की है। फ्रॉम टाइम टू टाइम द मीडिया हैज रेज दीज इश्यूज causing an increasing public awareness. और जब मीडिया इसके बारे में बात करती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखते हैं और उनके भीतर भी अवेयरनेस जो है वो आता है। ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दीज इश्यूज लीड टू चेंज इन द सोशल परसेप्शंस अबाउट द राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिवेल्स इन अ सोसाइटी, है ना? पहले के जमाने में देखो एलजीबीटी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं था, पर जब से इसमें मीडिया के में बात हुई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चला, तो उनको ये एहसास हुआ कि जो राइट्स हमें है वो उनको है नहीं, वो उनको है ही नहीं, हम शादी कर सकते वो नहीं कर सकते यार। तो कितना मतलब ये डिफरेंट है, कितना चीजें जो अलग है, तो ये बात तो आपको कभी पता थी ही नहीं, लेकिन जब सोसाइटी ने, जब मीडिया ने इस चीज को आगे बढ़ाया, तब एक तरीके से सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो बदला है, कई लोगों को तो पता ही पहली बार चला है, उसके बेसिस पे जो है चीजें जो है वो बदली है। ग्रोइंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दीज इश्यूज लीड टू चेंज इन सोशल परसेप्शन अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? तो ये जो अवेयरनेस बढ़ा है इसी के कारण से जो है सोसाइटी में एक तरीके से जो राइट एंड रॉन्ग जो प्रिवेल करता था पहले के टाइम में उसमें भी बदलाव आया है, परसेप्शन में भी लोगों के बदलाव आया है। In case of corporate or organizations, increasing public awareness of issues like global warming has led to initiatives in the field of sustainability. है ना? जब public awareness इसके बारे में बढ़ाया गया, जब लोगों को aware किया गया, जब corporates को aware किया गया, तो उन्होंने जाकर global warming के बारे में सोचा और फिर जाकर के बहुत जो है बहुत सारी initiatives लिए ताकि हम एक sustainable society create कर सके जहाँ पे सबके लिए जगह हो। Just a minute, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। Okay, so as an acronym in the some quarters, CSR is also understood as corporate social responsibility, and growing media coverage of the ozone layer depletion and the environment sustainability has also compelled the government to develop environmental protection laws. दो बातें यहाँ पे बोली गई। तो देखो CSR के बारे में आपने सुना होगा, corporate social responsibility, तो हर एक कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनी जो corporates होती हैं, वो अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है एज ए CSR में रखती है, CSR फंड में रखती है, ताकि उसका इस्तेमाल जो है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर के, वो उसको पूरा कर सके। कॉर्पोरेट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सस्टेनेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल जो है अब जाकर के स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं होता था। तो अब जाकर के गवर्नमेंट ने जो है प्रॉफिट में से फंड निकाल करके CSR फंड में वो रखते हैं और उसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट डिफरेंट सोशल वर्क में करते हैं। उसी तरीके से जब हम ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करते हैं, तो जब इसके बारे में मीडिया कवरेज होने लगा, लोगों को जानकारी मिलने लगी, जब कॉर्पोरेट्स को लगा कि नहीं भाई ये तो सही बात है, हमारे एनवायरनमेंट को इससे नुकसान पहुंच रहा है, तब जाकर के उन लोगों ने जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए लॉज वगैरह जो है वो बनाए हैं। इन शॉर्ट, आफ्टर रीचिंग एन इनेविटेबल क्रेसेंडो, टुडेज एथिकल कंसर्न्स आर बाउंड टू अट्रैक्ट गवर्नमेंट अटेंशन इन टू इंट्रोड्यूस लीगल मैकेनिज्म, ठीक है ना? तो ऐसा देखा जाए शॉर्ट टाइम में ये चीजें जो है देखी जा रही है कि जिस तरीके से इनेविटेबल है, जिसको आप टाल नहीं सकते, है ना, आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग होनी है, आने वाले समय में जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, तो उसके कारण से गवर्नमेंट का जो अटेंशन इस चीज के ऊपर आया है कि किस तरीके से जो है हम लॉज बना करके इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो काफी था, काफी लंबा भी हो गया और मैं और बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।